हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार यदुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। साथियों, आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 7। क्या कहता है जरा ध्यान देना, बड़ा ही अटपटा सवाल है ये, बड़ा टेंशन वाला सवाल है, लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया खुदा ना खास्ता, तो आप इससे कैसे निपटोगे, मैं वो तरकीब आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सवाल कहता है कि यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 जो है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अब आपको ये नहीं पता कि यूक्लिड का है, अभिगृहित का है, ये अभिगृहित 5 क्या है, तब तो कुछ नहीं समझ पाओगे। हाँ, लेकिन आगे एक और भी चूतिया बना रहा है, एक प्रकार से बेवकूफ़ बना रहा है आपको, कह रहा कि ध्यान दीजिए यह प्रश्न पांचवी अवधारणा से संबंधित भी नहीं है। बड़ी विडंबना है। देखो फिर इसका कुल मिला के मतलब समझ लो, इसका कहने का यही मतलब है, पांचवी अवधारणा से जो निष्कर्ष निकलता है उसका यही मतलब है जो वो कहता है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। अब पूर्ण और अपूर्ण का मतलब समझो, जैसे भैया अगर हमने लिखा 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1 लिख सकता हूँ ना, तो 4 क्या है, ये पूर्ण है, ये क्या है, पूर्ण है। लेकिन जो 3 और 1 है, ये 3 और 1 भी 4 का एक भाग है, मतलब ये पापा हैं, ये इनके दोनों बेटे हैं। तो भैया बाप हमेशा बेटा से बड़ा होगा कि नहीं, बताओ, बड़ा होगा ना, तो इसमें कौन प्रमाण देने की ज़रूरत है, नहीं ना। एक बार और देख लो, जैसे अगर मैंने लिख दिया 9, तो 9 को आप लिख सकते हो 5 × 4, मतलब ये क्या है, 9 एक पूर्ण है, मतलब पूर्ण संख्या मानो या कुछ भी, पूर्ण संख्या तो वो भी है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा भाग है, और ये 5 और 4 इसके 9 के भाग हैं, दोनों पार्ट हैं, मतलब इसके लड़के बच्चे हैं। तो भाई ये तो हमेशा बड़ा रहेगा कि नहीं, यही चीज़ ये बोल रहा है कि बताओ ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, हाँ बताओ क्यों होता है। तो आप नीचे क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लो, क्योंकि पूर्ण का भी, क्योंकि पूर्ण का भी भाग 2, एक मिनट रुके रहो मैं देखने दो क्या है भैया ये, हाँ देखो इसमें निष्कर्ष जो ये निकला है, क्योंकि जो पूर्ण है उसका ही भाग 2 जो अधूरे हैं वो भी हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि पूर्ण का भाग है वह पूर्ण से ही बना है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, पूर्ण के ही भाग हैं और पूर्ण से ही बने हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण हमेशा अपने भागों से बड़ा होता है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पिता हमेशा अपने बच्चों से बड़ा होता है, तो इसके लिए कोई हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ ऐसे लिख लेना, एक बार फिर से सुन लो इसको देखो, पहले कह रहा कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भाई सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, तो नीचे आप लिखो, क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, ऐसे लिखो, क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है। ये पूर्ण, पूर्ण बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये पूर्ण मतलब होल नंबर, एक प्रकार से अगर पूर्ण संख्या बोलें तो लिखो, पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, इसलिए पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा, इस बात के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक उसी प्रकार से जिस प्रकार बाप हमेशा बेटे से बड़ा होता है, इसकी हमें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिख लेना बस, ये थोड़ा तर्कसंगत है बस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा आपकी 5.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे से हर दिन आपका क्लास 9th का वीडियो आता है, आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर होगा 5 एंड 2, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही सवाल हैं, वो भी अवधारणा के हैं, यानी कॉन्सेप्ट वाले हैं, बाकी आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, वो ऐसे कैलकुलेशन वाले। इनकी कहानी आपको समझना है, बहुत ही आसान है ये, सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी भाषा समझना है, मतलब कि लिखा क्या है और कहना क्या चाहते हैं ये सवाल के माध्यम से। देखिए, कह रहे कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। इनकी जितनी भी अवधारणाएँ हैं उलझी पुलझी हैं, वो उनको आप कैसे आसानी से अगले को समझा पाएंगे, ये पूछना चाहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है पहले ही से, आप देख लो, फिर मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको अच्छे से बताऊंगा, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम आपको पढ़ के एक तरफ से बता देते हैं कि इसमें लिखा क्या गया और करना क्या है। अभी इसका हम फिगर भी बनाएंगे, आप बिल्कुल हैरान मत होना, जैसे लिखा वैसे करेंगे। कह रहा कि यदि यल और यम दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा यन
काटती है और रेखा यन के एक ही ओर बने दोनों अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम का मतलब 180 से कम हो। तो यल और यम को आगे बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का मान दो समकोण से कम होगा, यानी 180 से कम होगा। यही इनकी पांचवी अभिधारणा है कि अगर दो समांतर रेखाओं को, ऐसे दो पैरेलल रेखाओं को कोई तीसरी एक रेखा, तिर्यक रेखा काटेगी, तो उन दोनों रेखाओं को जो समांतर थी उनको अगर हम आगे बढ़ाएं दोनों तरफ, जैसे मान लो पहले इतनी बड़ी थी उनको हम और बड़ी करें, तो वो दोनों एक दूसरे से जाके मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी, किस तरफ मिलेंगी, जिस तरफ उनके जो कोण बनेंगे वो 180 से कम होंगे। देखिए मैं आपको ऊपर फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चा। ये चीज़ तो ऐसे रहेगा, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आप सभी के बुक में चूंकि क्वेश्चन तो लिखा होगा। तो देखिए अब आप लोग ध्यान देना, मैं इसको मिटा देता हूँ जल्दी से जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। देखिए जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम करेंगे। कह रहा कि यदि यल और यम दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा यन काटती है, तो भैया यल और यम कोई दो जो हैं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। क्या नाम है इनका, यल और यम। सॉरी यहाँ पे समांतर रेखाओं का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आपको दो रेखाएं खींचना है, समांतर नहीं खींचना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे खींचना है, देखो ऐसे खींचना है और एक रेखा आप खींचोगे ऐसे, ठीक है। ये एक दूसरे के समांतर दिख रही लेकिन है नहीं, अगर समांतर होती तो क्या होता, ये कभी एक दूसरे को काटते ही नहीं। तो यही कह रहा चित्र में कि यदि यल और यम दो रेखाओं को, मान लो कि इनको मैंने यल मान लिया इनको यम मान लिया, एक तीसरी रेखा काटती है, तीसरी रेखा का क्या नाम है, यन है। चलो ये तीसरी रेखा मैंने कटा दिया। आगे कहता है और रेखा यन के एक ही ओर बने, रेखा यन के एक ही ओर का मतलब समझो ये है रेखा यन, इसके दो छोर हैं, दो ओर हैं, एक इधर साइड है एक इधर साइड है, भाई बीच से कट गया तो दो पार्ट हो गया, इधर एक इधर। अब ये पार्ट अलग हो गया, इधर का अलग हो गया। कह रहा कि यन के एक ही ओर बने दोनों अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम हो। दोनों अंतः कोण, अब इसमें दो अंतः कोण कहाँ बन रहे हैं, एक अंतः कोण ये बन रहा है, एक अंतः कोण ये बन रहा है। कह रहा कि दोनों अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम हो तो यल और यम बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का जो योग है वो दो समकोण से कम होगा, यानी 180 से कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप इधर का कोण देखोगे, इधर का कोण अगर देखोगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कोण आपके 90 से जो है वो कम होंगे, 90 नहीं होंगे। इसको हम थोड़ा सा और आपको स्पष्ट बना दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहा था कि एक अगर तीसरी रेखा यन काटती है, मतलब एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये कोण 90 अंश का नहीं होगा, ये भी 90 अंश का नहीं होगा, मतलब ये जो भी अंतः कोण बन रहे हैं ये सभी 90 अंश के कोई भी नहीं होंगे। लेकिन इधर साइड अगर आप देखोगे तो दो समकोण से ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि ये 90 से लगभग ज़्यादा होगा थोड़ा। अगर आप इसको सीधा भी खींचोगे तब भी क्या होगा, 90 से इधर साइड वाला ज़्यादा होगा, इधर साइड वाला कम होगा, क्योंकि इधर जो है लाइनें एक दूसरे में मतलब झुकती नजर आ रही। तो कह क्या रहा था कि अगर यल और यम को और आगे बढ़ाया जाए तो उसी ओर एक दूसरे से मिलेंगी जिस ओर के कोणों का मान दो समकोण से कम होगा। अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएं और इसको भी ऐसे आगे बढ़ाएं, सीधा जैसे जहां भी है, ये देखो अगर सीधा भी आप बढ़ाओगे थोड़ा मुझसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे जाएगा तब भी जाके आगे एक दूसरे से मिल जाएगा। लेकिन अगर इधर भी बढ़ाओगे तो ऐसे ये फैलता चला जाएगा, कभी भी ये एक दूसरे से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर के जो दोनों समकोण बन रहे हैं, मतलब जो दोनों कोण बन रहे हैं उनका मान दो समकोण से ज़्यादा है, इधर क्या है 180 से ज़्यादा हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे ये कम से कम आपका 100 डिग्री का होगा, ये भी 100 के आसपास होगा, जोड़ोगे 200 के लगभग आएगा। और जो दो समकोण का मान होता है 180 अंश होता है, ज़्यादा हो रहा है ना। इधर देखो कम है, 90 से भी कम है, 75 होगा तब भी जोड़ोगे तो 150 होगा। तो यही होती है यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा, आप समझ गए ना पूरी बात, इसी को अच्छे से समझाना था आसान भाषा में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें और लाइक करें जिससे कि आप अगली क्लास को भी देख पाएं। देखिए बच्चों इसमें आप अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है।
कह रहा है कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट कीजिए कि समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य जो है वो पांचवी अवधारणा से मतलब स्पष्ट हो रहा है, इसको क्या करिए, दिखाइए, स्पष्ट कीजिए। देखो ध्यान दो, पहले पांचवी अवधारणा क्या है, ये नीचे मैंने लिखा, यही पांचवी अवधारणा है जो मैंने अभी आपको समझाया अच्छे से ना, कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, यानी किसी दो रेखाओं को, समांतर रेखा की बात नहीं हो रही अभी, यदि किन्हीं दो रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उन दोनों रेखाओं को अगर आगे बढ़ाया जाए, उन दोनों रेखाओं को अपना दोनों तरफ आगे बढ़ाया जाए तो वो दोनों रेखाएं जा करके आगे एक दूसरे से मिल जाएंगी। किस तरफ मिलेंगी, जिस तरफ उन दोनों रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के बीच जो अंताकोण बनता था उसका मान अगर दो समकोण से कम होगा तो, और जिस ओर ज़्यादा होगा उस ओर नहीं मिलेंगी। यही कहती है पांचवी उदाहरण, आपने देख लिया, एक बार फिर से वीडियो बैक करके देख लो फिर समझो। कह रहा क्या इससे समांतर रेखाओं के अस्तित्व का कोई औचित्य निर्धारित होता है। देखो भैया पांचवी उदाहरण तो जो कहती थी मैंने कहानी बता दिया, अब देखो ध्यान दो, यदि रेखा यन के दोनों तरफ के कोण दो समकोण से अधिक हो जाएं, भाई ये ऐसे है, यदि रेखा यन के दोनों तरफ के जो कोण का मान है, ये जो कोण है ये सभी क्या हो जाएं, दो समकोण से अधिक हो जाएं, तब तो ये दोनों रेखाएं यल और यम क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी ना। पहले बताओ ये हो जाएंगी कि नहीं, हो जाएंगी ना। तो देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण मैंने लिखा हुआ है कि यदि रेखा यन के दोनों तरफ के कोण दो समकोण यानी कि 180 से अधिक हो जाएं तो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अर्थात क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यानी इससे क्या होता है, आपको पता चल रहा है ना कि ये इससे समांतर रेखाओं के जो अस्तित्व का औचित्य है निर्धारित हो रहा ना थोड़ा बहुत कि नहीं। भाई इसमें थोड़ी सी कमी है कि जो रेखाएं हैं वो पांचवी अवधारणा के अंतर्गत वो कुछ ऐसे हैं, थोड़ा सा इसे गड़बड़ है। तो इसमें क्या होता है, जब ये तिर्यक रेखाएं इनको काटती हैं तो इधर का जो कोण है वो क्या होता, बच्चा थोड़ा रेखाएं झुकी है, ये 90 अंश से कम बनता है, उनको जोड़ोगे 180 नहीं आता, कम आता है, लेकिन इधर क्या होता, थोड़ा उठा है तो थोड़ा इनका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो इधर साइड तो ये समांतर रेखाएं हैं, सिद्ध हो रही हैं, लेकिन इधर नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर क्या हो जाए, ये थोड़ा सीधी हो जाए रेखाएं, ऐसे जाएं, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी ना। यही है दोनों का आपका जो सलूशन था वो मिल गया, समझ गए ना। अब क्या लिखोगे, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्पष्टीकरण लिख लो नीचे, क्लियर कर लो, लिखो जल्दी, चलो लिखो, जो बच्चे लिखना चाहते हैं जल्दी से लिखो। ये दूसरे का सलूशन है, इसको फिर से लिखो, दूसरे में भी लिखो, लिखो। यूक्लिड की पांचवी अवधारणा कहती है, पहले लिखो, सबसे पहले यूक्लिड की पांचवी अवधारणा कहती है, इतना लिखने के बाद आप इसको पूरा लिखोगे, यदि यल और यम के दो रेखाओं को तीसरी रेखा यन काटती है और यन के एक ही ओर के बने दोनों कोणों का जो योग है वो दो समकोण से कम हो तो यल और यम को आगे बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का मान जो है दो समकोण से कम होगा। इतना लिख लिए, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, अगले पेज में लिखो, आगे लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिख पाए तो, जल्दी से आगे लिखो, जल्दी से चलो फट से लिखो। लेकिन यदि रेखा यन के दोनों ओर के या दोनों तरफ के कोणों के जो मान हैं वो दो समकोण से अधिक अर्थात 180 अंश हो जाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी अर्थात समांतर हो जाएंगी। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 5.2 का इंड हो गया, दो ही क्वेश्चन थे, फिनिश हो गया। 5.3 इसमें है नहीं, 6.1 आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, बच्चा देख लो, प्लेलिस्ट आपको दी गई है, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखो, सारा कोर्स इकट्ठा उपलब्ध है, आप आराम से पढ़ो। एक आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है आप सभी साथियों से, बच्चों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए क्लास में, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो और बड़ी बड़ी क्लास ला सकें, नहीं तो ऐसे छोटी छोटी पढ़ते रहोगे फिर, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर कोई बड़ा डाउट होगा तो आपको वीडियो देंगे, उसकी लिंक दे देंगे, आप देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, गारंटी हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, प्रेम पूर्वक धन्यवाद, आपने पूरी क्लास देखा इसके लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, चलते चलते वही फिर से निवेदन करेंगे कि अगर आप इस क्लास को PBR स्टडी के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, अगर इसे Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें, Instagram Twitter हर जगह आप PBR स्टडी को फॉलो करें, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अगर कोई इंक्वायरी है तो। याद रहे WhatsApp पे आप कोई भी मैथ का सवाल नहीं सेंड करेंगे क्योंकि WhatsApp हम नहीं देखते हैं, उसको हमारे साथी लोग देखते हैं, तो वो लोग आपको क्लास के बारे में जानकारी देंगे लेकिन आपको कोई मैथ का सवाल नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा।